अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लखनऊ की फेमस ढाबा स्टाइल कीमा, तो जो कि बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है। आप खाएंगे तो उंगलियों को चाटते हुए रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा, 2 ओनियन जिसे मैंने थिनली स्लाइस कर लिए हैं, कुछ सूखे मसाले, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा और 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टोमेटो जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 1/4 कप कर्ड लिया है। तो चलिए, और छौंक के लिए मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में तेल को गर्म कर लिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसमें तड़के के लिए खड़े मसाले डाल दूँगी। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। जब ये क्रैकल होने लगे तो इसमें मैं फाइनली चॉप किए हुए प्याज को डाल दूँगी और उसे हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें कीमा को डाल दूँगी और कीमा का कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। 5 मिनट तक इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हमारा कीमे का कलर चेंज हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, सभी को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नारियल के बुरादा डाल दूँगी और फाइनली चॉप किया हुआ टोमेटो भी डाल दूँगी और 1/4 कप कर्ड जो मैंने लिया था उसे भी डाल दूँगी। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और इसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, ये ज़रूर सबको पसंद आएगी। मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद आई थी। मैंने ये ढाबे में खाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। मसाला हमारा भुन चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल दूँगी और कुकर को बंद करके 15 मिनट तक प्रेशर कुक कर लूँगी ताकि हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, तेल भी पूरा सरफेस पे आ चुका है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल करके इसे गार्निश कर दूँगी और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऊपर से डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर के आता है। देसी घी में थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेंगे और उसका तड़का इसके ऊपर से डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर के आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी ये डिश। तो इसे ज़रूर डालें फ्रेंड्स, इसे स्किप ना करें, इससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।